नमस्कार, मैं अदिति गुप्ता और आप देख रहे हैं द नेटिजंस न्यूज। खबरों के सफर में आगे बढ़ने से पहले आइए नजर डालते हैं आज की कुछ खास बड़ी खबरों में। भारतीय किसान यूनियन टिकेत के पदाधिकारियों का दक्षिणांचल पर फूटा गुस्सा। एमडी की मुलाकात नहीं करने पर धरने पर बैठे किसान नेता। दक्षिणांचल कर्मचारियों पर धक्के मारकर कार्यालय से बाहर निकालने का किसान नेताओं ने लगाया आरोप। किसानों की बिजली समस्याओं को लेकर एमडी से मिलने आए थे किसान नेता। किसान नेता जमकर कर रहे हैं एमडी के खिलाफ नारेबाजी। भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष मंडल, अध्यक्ष प्रदेश उपाध्यक्ष और जिला अध्यक्ष प्रतिनिधि मंडल पहुंचा था मिलने। एमडी के व्यवहार से नाराज हैं किसान नेता। किसान नेताओं ने राकेश टिकेत को पूरे प्रकरण से फोन पर कराया अवगत। आगरा से दानिश खान की रिपोर्ट। मैं हम आ चुके हैं, आपसे बात करना चाहते हैं। सिलो के बाद में आगरा के साथ भी हमारे पास बैठे थे, उन्हें बुला लिया गया। फिर उनसे कह के यहाँ मीटिंग चल रही है, हमें नहीं बताया गया कि मीटिंग चलेगी, कब तक चलेगी, कब तक इंतजार करें। उसके बाद में न बैठने की व्यवस्था, न पानी की व्यवस्था। एक काली बड़ी गाड़ी तीन बार आ गया, यहाँ से उठिए, गाड़ी यहाँ से उठाइए, ये व्यवस्था नहीं है आपकी। अरे मेरे के तरीका है बात करने का, अभद्रता की गई मेरे साथ में। और वो स्थिति बना दी राठौरी, 37 साल के बाद में पहली बार ऐसा हुआ। ये यहाँ समस्या थी कि किसानों की फसल धड़ाधड़ जल रही है, का को 20 बीघा, का को 40 बीघा, का को 50 बीघा फॉल्ट हो जाने के कारण उनकी व्यवस्था नहीं। इन्होंने सामान्य उस पर कनेक्शन दिए थे, 2 साल हो गए, दूसरी सरकार आ गई, लेकिन कोई पूछताछ नहीं है, पैसा उसका जमा है। तेरे क्या तरीका बना रखा है, क्या माध्यम है? तो बात तो उसकी उसी के लिए किसान जल का फसल नष्ट है, उसका कोई प्रावधान नहीं। क्या कैसी सरकार है भाई जी, दूसरी बार आ गई लेकिन कोई प्रोटोकॉल होता है, दायरा ही नहीं है, कोई समाधान ही नहीं है, किसी से बात ही नहीं है, तो इसीलिए आए थे। तो ये थी इस वक्त की बड़ी खबर। और अगर आप ऐसी खबरों से जुड़कर अपने आप को जागरूक रखना चाहते हैं तो जुड़े रहिए हमारे साथ द नेटिजंस न्यूज पर। लेकिन अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिए। साथ ही साथ अगर आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक और शेयर करना ना भूलें और बेल आइकन को दबाना भी ना भूलें, ताकि हमारे आने वाली वीडियो से पहले आपको समय पर अपडेट मिल जाए और आप किसी भी जानकारी से पीछे ना रह जाएं।